नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत 12 से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। विवाहिता का अपहरण कर ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। मृतका के अधजले शव को बताया जा रहा है कि हरना वदा शाहजी अस्पताल लाया गया। शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा। फिलहाल पुलिस टीमें आरोपित परिजनों की अब तलाश कर रही है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर अधजला शव लेकर के अस्पताल पहुंची है पुलिस। अब इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और उसके बाद आगे की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। तो विवाहिता का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई और उसके बाद उसके शव को जलाने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस को जैसी सूचना मिली वो मौके पर पहुंची, अधजले शव को थाने लाने के बाद अस्पताल लेकर पहुंची। बारह से इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हरनावदा शाहजी अस्पताल जो है, मृतका के शव को पुलिस लेकर के पहुंची हुई है। अब डॉक्टर्स की टीम से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पोस्टमार्टम होने के बाद जो है मौत के कारण क्या थे और किस तरीके से आगे की जांच को बढ़ाया जाएगा, उसकी तस्वीरें साफ होगी। उधर बारह में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कनिष्ठ सहायक और उसके दो दलालों को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। एसीबी की बारह टीम को परिवादी की ओर से एक शिकायत मिली थी, जिसमें बताया गया था कि महिला अत्याचार पीड़िता को मिलने वाली 1,50,000 रुपए की राजकीय सहायता जारी करने के एवज में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय के कनिष्ठ सहायक अमरदीप मीणा, उसके दलाल भरत वैष्णव, बनवारी लाल वैष्णव ने पहली बार किस्त पर 10,000 रुपए और दूसरी किस्त पर 10,000 रुपए समेत कुल 20,000 रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहे थे, जिसके बाद टीम ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को परिवादी से 10,000 रुपए की घूस लेते हुए दबोचा। दिनांक 2 जुलाई 2024 को परिवादी श्री पन्नालाल ने कार्यालय में हाजिर होकर बताया कि मेरी बेटी के खिलाफ कोई छेड़छाड़ का मामला हुआ था, उसका मुकदमा एट्रोसिटी एक्ट में दर्ज हुआ था महिला थाने में। उसकी एवज में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग से 1,50,000 रुपए की सहायता राशि मिलनी थी। तो सहायता राशि बेटी के खाते में डालने के बदले अमरदीप, जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में बाबू है, तथा उसके दो दलाल भरत वैष्णव और बनवारी लाल वैष्णव मेरे से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहे हैं। मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग का अलर्ट देखने को मिला है। प्रदेश के 29 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। मेघ गर्जन और तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। कुछ इलाकों में बताया जा रहा है कि भारी बारिश भी हो सकती है। तो मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी ये दी गई है कि 29 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर तेज बारिश के साथ हवाएं चलेंगी। तो वहीं कुछ इलाकों के लिए मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की संभावना जो है वो भी जताई गई है। और उधर टोंक जिले भर में अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, लेकिन बद इंतजामी ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। पीपलू अस्पताल और यूनानी अस्पताल पानी से टापू बन चुके हैं। माध्यमिक स्कूल के खेल मैदान और बस स्टैंड पर पानी ही पानी है। कलेक्टर के लगातार निर्देशों के साथ स्थानीय प्रशासन ने जल निकासी के इंतजाम नहीं किए। बारिश से पहले नालों की सफाई नहीं हुई। अस्पताल रोड की कॉलोनियों में पानी भर गया। पीपलू इलाके में स्कूलों की छत टपकने से छुट्टी करनी पड़ी। डोडबाड़ी और बगड़वा गांव में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। छतों से पानी टपकने से रिकॉर्ड भी भीग चुके हैं। और जो साथी सब ऑनलाइन जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। साथियों, मैं आज तो ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ आपका, क्योंकि वह आप जाने के मूड में होंगे और जीतने के मूड में होंगे, और मैं आपका जीत करके वापस आ कर होंगे तब स्वागत करने के मूड में हूँ। और इसलिए वैसे मेरी कोशिश रहती है कि खेल जगत से जुड़े हमारे
देश के जो सितारे हैं उनसे मिलता रहूं, नई चीजें जानता रहूं, उनके प्रयासों को समझता रहूं, और सरकार के नाते अगर व्यवस्था में कुछ बदलाव लाना है, कुछ प्रयास बढ़ाने हैं, तो इस दिशा में कुछ काम करता रहूं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि सबसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करूं, ताकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है। खेल का एक स्वभाव होता है जी, हर विद्यार्थी का जैसे रहता है, जब वो पेपर देने जाता है एग्जाम के लिए, तो पूरे घर को ऐसा विश्वास देता है कि बस आप चिंता मत कीजिए, मैं रैंक लेकर के आने वाला हूं। और जब उसको तो पता चल जाता है एग्जामिनेशन में क्या हो रहा है, क्या कर पाएगा, ठीक गया नहीं गया, तो निकलते ही शुरू कर देता है। पंखे की आवाज बहुत आ रही थी, खिड़की खुली थी तो मजा नहीं आ रहा था, टीचर बार बार मेरी तरफ देखते थे। तो आपने देखे होंगे ऐसे स्टूडेंट्स, उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं और हमेशा वो परिस्थितियों को दोष देते हैं। और ऐसे लोगों की कभी जीवन में प्रगति नहीं होती है, वो बहाने बजाने में मास्टर हो जाते हैं लेकिन प्रगति नहीं कर पाते। लेकिन मैंने देखा है कि मैं कई खिलाड़ियों को जानता हूं, वे कभी भी परिस्थितियों को दोष नहीं देते, हमेशा कहते हैं कि जी मुझे वो टेक्निक मेरे लिए नई थी, वो जो करता था मैंने अंदाज नहीं लगाया कि वो भी एक तरीका हो सकता है। कहने का तात्पर्य है एक दोस्तों, हम खेलने के लिए जा रहे हैं, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन ओलंपिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है। अब तो एक तो मैं अपना खेल खेलूं और टेलीफोन करके सबको बताता रहूं, देखिए आज ऐसा रहा वैसा रहा, दूसरे होते हैं बाकी हर खेल देखने जाते हैं, फलाना देश कैसे खेल रहा है, टिकना देश कैसे खेल रहा है, और वो चीजों को पूरी तरह ऑब्जर्व करता है, कोशिश करता है एब्सॉर्ब करने की, और आकर के अपने कोच को भी बताया कि यार भाई मैंने देखा उसने तो बड़ा कमाल कर दिया था लास्ट मोमेंट, अब मुझे भी बताइए वो क्या टेक्निक थी। कभी उस वीडियो को लेकर के 10 बार देखता है कि उसने कैसे उसको पलटा था। तो नहीं, जो सीखने की वृत्ति से काम करता है उसके लिए सीखने के बहुत अवसर होते हैं। जो शिकायत में जीना चाहता है उसके लिए भी अवसरों की कमी नहीं होती। दुनिया के समृद्ध समृद्ध देश भी, उत्तम से उत्तम सुविधाओं के साथ आए हुए लोग भी शायद शिकायत करते हुए नजर आएंगे, और हमारे जैसे देश के लोग जाते हैं, कई कठिनाइयां होती है, बहुत सी असुविधाएं होती है, लेकिन दिल में उसके मन में रहता है मेरा देश, मेरा तिरंगा झंडा, और इसलिए वो कठिनाइयों को असुविधाओं को बिल्कुल साइड में रखता है, वो अपने मिशन के लिए लग जाता है। और इसलिए साथियों, मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार भी खेल के मैदान में आप भारत का नाम रोशन करके आएंगे। जो पहली बार जा रहे हैं, जिनको ओलंपिक में जाने का पहला मौका मिल रहा है, ऐसे कौन कौन है? अच्छा, बेटियों की संख्या ज्यादा है, पहलवानों की संख्या ज्यादा है? अच्छा, जो पहली बार जा रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है, मैं जरा सुनना चाहूंगा, आप क्या सोच रहे हैं, आप ऐसे कोई भी बताए। हाँ बताइए, आप कुछ कहना चाहती हो ना ये पीछे? हाँ हाँ बताइए। तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मैं पहली बार। हाँ, अपना परिचय बता दीजिए। और मैं रमिता जिंदल हूँ, एयर राइफल शूटिंग में मैं पहली बार ओलंपिक्स में जा रही हूँ,
सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो बिकॉज ओलंपिक्स में जाने का सपना तो स्टार्टिंग से ही था मेरा, जब से स्पोर्ट्स स्टार्ट किया है मैंने, तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट भी है और साथ में मोटिवेशन भी है काफ़ी कि देश के लिए मैं कुछ अच्छा करके आऊँ वहाँ। आपकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ हुई है? मैं हरियाणा से हूँ बट मैं ट्रेनिंग चेन्नई में करती हूँ। परिवार में भी और कोई खेल जगत से जुड़े हुए थे या आपने नहीं शुरुआत की? नहीं, मैंने ही शुरुआत की है। अच्छा, वरना हरियाणा में तो हर घर में खिलाड़ी मिलेगा। बेटी और कौन कुछ बताएंगे अपना जो पहली बार जा रहे हैं? बेटियां तो बहुत बता सकती है। दीजिए दीजिए, वो बोलेगी कुछ। हाँ, मेरा नाम रितिका है और मैं हरियाणा रोहतक से हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, मैं पहली बार जा रही हूँ। एक्साइटमेंट भी बहुत है कि मैं अपना मैट पे प्रदर्शन दिखाऊंगी, पूरे देश की नज़र मुझ पे होगी और सभी लोग दुआ भी कर रहे हैं और मैं भी अपना 100% दूंगी। शाबाश। और बोलिए ना। हाँ दीजिए, आप संकोच कर रही है, बोलना है, आपको बॉडी लैंग्वेज क्या रही है? मेरा नाम अंतिम पंगाल है और मैं 53 के जी में रेसलिंग करती हूँ। मैं अभी 19 साल की हूँ और मैं ओलंपिक खेलने जाऊंगी। बहुत खुशी है मुझे कि भाई अभी तक ओलंपिक में सिर्फ कुश्ती में एक ही मेडल आया लड़के का और वो भी ब्रॉन्ज आया, तो मैं चाहती हूँ मैं इससे भी अच्छा मेडल लेके आऊँ। शाबाश। अच्छा, आप में से 18 से भी कम उम्र के कौन कौन है जिनकी एज 18 से कम है? एक, हाँ बताइए बेटा। Hi, I'm Dinidhi Desingu. I'm 14 years old. I'm from Kerala, but I represent Karnataka generally. I am really excited to go to the Olympics this year as being a part of Team India. It's a great honor and a great privilege that I got to be a part with such an amazing team this year. I know that it's just the start of my journey and I know that there's a long, long way to go for me and for all of us over here. I hope that we all make our country proud and I hope that we come back with great achievements and lifetime goals. Wish all the best. अच्छा, जो लोग 3 बार से ज्यादा बार ओलंपिक में गए हैं ऐसे कौन कौन हैं? मोर देन 3 टाइम्स। हाँ, जरा उनसे सुनेंगे। मोर देन 3 टाइम्स। हाँ बताइए। हाँ कहिए, झारखंड वालों को तो छूट है कुछ भी बोलने की। नमस्ते सर, मेरा नाम दीपिका कुमारी है, मैं आरजी को रिप्रेजेंट करती हूँ। सर बहुत खुशी है और कि ये चौथा ओलंपिक है मेरा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मैं उस एक्सपीरियंस को चाहूँगी कि उस एक्सपीरियंस को यूज़ करूँ और उसी जोश और उसी कॉन्फिडेंट के साथ रिप्रेजेंट करूँ और अपना 200% दूँ। थैंक यू। अच्छा, आप जो यहाँ नए खिलाड़ी पहली बार जा रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देगी? जो पहली बार जा रहे हैं इस टीम में। सर मैं बोलूंगी कि डेफिनेटली कि एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है, बट मैं उनको बोलूंगी कि उस चकाचौंध में वो ना घुसे, जितना हो सके वो खुद पे फोकस करे और इंजॉय करे पर पूरे फोकस के साथ, पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। और मैं ये बोलूंगी कि मेडल जीतना है उसके पीछे ना भागे, वो परफॉर्म करे, अच्छा परफॉर्म करे ताकि मेडल उनके पास आए। अब 3 बार हुआ ही, पहली बार गई उसमें कुछ सीखा होगा, कुछ आपने आकर के उसको प्रैक्टिस किया होगा, दूसरी बार गई कुछ और सीखा होगा। मैं जान सकता हूं कि आपने ऐसा कौन सी चीजें नई एडॉप्ट की जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और आपको लगता है कि आप देश को कुछ दे पाओगे? ये ऐसा तो नहीं कि रूटीन जो प्रैक्टिस करती थी वही करते, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है, जैसे मैं हूं, मैं योगा वगैरह करने की आदि हूं तो मैं समय देता हूं मेरे लिए, लेकिन मैंने देखा है कि जो एक रिदम बन जाती है जाते ही जिससे शुरू करता हूं वही से एकदम से शुरू हो जाता है, फिर मैं थोड़ा कॉन्शियस होकर कहता हूं आज ये दो छोड़ो, दो नई चीजें करूं, तो थोड़ा मुझे वैसा हर एक का आदत हो जाती है कि वो अपनी जो पुरानी हैबिट है उसी प्रकार से एक्ट करता रहता है और उसको लगता है मैंने कर लिया। आपकी स्थिति क्या है? सर जो पुरानी अच्छी आदत है उसको कंटिन्यू करते हैं और जैसे लास्ट टाइम
कोई भी मैच से अगर हम हारते हैं तो उससे सीखते हैं और प्रैक्टिस में आके वो गलती ना करें उसको हम हर दिन रिपीट करते हैं ताकि वो हमारे आदत में उतर आए, जो अच्छी आदत है वो उतर आए और वही चीज हम कंटिन्यू करने की कोशिश करें। कभी कभी बुरी आदत भी तो आदत बन जाती है, शरीर का हिस्सा बन जाती है। सर होता है ऐसा, बहुत बार होता है कि बुरी आदत लग जाती है, बट हम खुद को बात करते हैं खुद से और रिमाइंड कराते हैं कि ये चीजें हमको कैसे कन्वर्ट करनी है अच्छी चीजों में। और कौन है जो तीन बार जाकर के आए हैं? नमस्ते सर, मैं पूम मैमार एथलेटिक्स से हूँ। 2008 में जब मैं ओलंपिक्स गई थी तो मैं 18 ईयर्स थी, तो मैं रिजर्व में थी सर। देन 2016 में हम लोग टीम में भागे थे, तो 2002 के बाद हम लोग फाइनल में नहीं आया, तो दिस टाइम वी वांट टू क्रिएट अ नेशनल रिकॉर्ड एंड कम इनटू द फाइनल्स। विद सो कॉन्फिडेंस, थैंक यू। सॉरी, ये जो बाहर जो है हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, वे भी कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अच्छा लगेगा सब खिलाड़ियों को। कौन बताना चाहता है? हाथ ऊपर करके शुरू कर दीजिए। नमस्कार सर। नमस्ते, मैं पीवी सिंधु। सर मेरा अभी थर्ड ओलंपिक्स मैं जा रही हूँ सर, तो फर्स्ट ओलंपिक्स में 2016 में सिल्वर लेके आई थी और 2020 टोक्यो में ब्रॉन्ज लेके आई थी, तो इस बार आई होप I change the color, sir, and I hope I come back with a medal. Obviously, अभी बहुत experience है जा रही हूँ, but definitely it's not going to be easy. But I will try my best and hoping for another medal, sir. Yeah. ये जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहोगी? बस firstly मैं बस ये कहना कहती हूँ कि आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत लोग ये सोचते कि ओलंपिक्स है कैसा खेलना, और प्रेशर भी बहुत रहता है, और कुछ कुछ लोगों को ये रहता है कि वो एक्साइटमेंट रहता है कि यू नो इट्स अ फर्स्ट ओलंपिक्स एंड वी वांट टू गो टू द ओलंपिक्स, बट आई जस्ट वांट टू से दैट यू नो इट इज लाइक एन एनी अदर टूर्नामेंट, इट्स जस्ट दैट हम फोकस करना है और वी हैव टू हैव दैट बिलीफ इन आवर सेल्फ दैट वी कैन डू इट। And definitely सब लोग hard work कर रहे हैं, तो I wish them that they give their 100%, not think that it is some different tournament and it is going to be hard, but I just want to tell them that it is like any other tournament and I want them to give their 100%। चलिए, प्रेशर तो सब लोग सब। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। और कौन कोई है जो बाहर से बात करना चाहेंगे? नमस्ते सर। नमस्ते जी। प्रियंका गोस्वामी। नमस्ते जी, तुम्हारे बाल कृष्ण कहाँ है? सर मेरे पास ही है, यहीं पे स्विट्जरलैंड में। तो इस बार भी बाल कृष्ण को लेके जा रही हो ना? हाँ जी सर, ओलंपिक्स उनका भी दूसरा ओलंपिक्स है। सबसे पहले तो सर आपको बधाई हो कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, और हमें सभी खिलाड़ियों को आपसे दोबारा से बात करने का और मिलने का मौका मिला है। और सर जैसा कि दूसरा ओलंपिक्स है और मैं 3 महीने से ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग कर रही थी सरकार की तरफ से, और अभी स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग कर रही हूँ टॉप्स की तरफ से, तो काफी सपोर्ट मिल रहा है हमें गवर्नमेंट की तरफ से कि हम दूसरे देश में जाके अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आई होप कि सभी प्लेयर्स ओलंपिक्स में अपना बेस्ट देंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे और ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतेंगे। अच्छा, आपकी एक शिकायत रहती थी कि तुम्हारा खेल ऐसा है कोई देखने वाला नहीं होता है, तो वहां प्रैक्टिस कर रही थी तो कोई होता देखने वाला? हाँ सर, विदेशों में तो इस खेल को भी मतलब उतनी अहमियत दी जाती है जितनी की और खेलों में दी जाती है, तो अपने देश में थोड़ा सा कम था, लेकिन जब से आप भी उसको इंक्रेज कर रहे हो कि सब देखो इस हर खिलाड़ी के लिए आप बोलते हैं, तो हमारे देश में भी बहुत लोग अभी खेल को देख रहे हैं और काफी बढ़ावा मिल रहा है खिलाड़ी को, और हमें भी सपोर्ट मिलता है कि कोई देखता है हमारा इवेंट कि हाँ सब बैठ के देख रहे हैं, तो हमें भी और मोटिवेशन आता है कि अच्छा करना है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। और कौन है वहां से, कोई बात करना चाहेगा? सर नमस्कार। सर नमस्कार, मैं निखत बोल रही हूँ सर। मैं बॉक्सिंग में 50 कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ ओलंपिक्स में,
और ये मेरा पहला ओलंपिक्स है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एट द सेम टाइम मैं अपने आप को फोकस रख रही हूँ क्योंकि पूरे देशवासियों का मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशंस है, तो मैं उनकी उम्मीदों पे खड़े उतरना चाहती हूँ और अपने देश का नाम रोशन करके वापस लौटना चाहूंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीरज कुछ कह रहे थे। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते भैया। कैसे हो सर? मैं वैसा ही हूँ, तेरा चूरमा अभी तक आया नहीं। चूरमा लेके आएंगे सर इस बार। पिछली बार वो दिल्ली में चीनी वाला चूरमा था, आपको हरियाणा का वही तो। और नहीं, मुझे तेरी बाग के हाथ का चूरमा खाना है। पक्का सर? बताइए। बिल्कुल सर, हम भी अभी बाहर हैं जर्मनी में और ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। इस बार मैं काफी कम कॉम्पिटिशन खेल रहा हूँ क्योंकि बीच बीच में मुझे एक इंजरी हो रही है, पर अभी काफी बेटर है। अभी कुछ दिन पहले मैं फिनलैंड में कंपटीशन खेला था और वो काफी अच्छा रहा, और एक महीना है हमारे पास ओलंपिक्स के लिए और ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है। कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को पूरा फिट करके जाए पेरिस में और 100% दे सर अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि 4 साल में आता है। मैं सभी एथलीट्स को ये बोलना चाहूंगा कि 4 साल में मौका मिलता है और अपने अंदर घुस के उस चीज को निकालें कि क्या वो चीज है जिससे हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि मेरा टोक्यो मेरा पहला ओलंपिक्स था और पहले ओलंपिक्स में ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा, गोल्ड जीता देश के लिए, और उसका रीजन मैं मानता हूं कि ये है कि मन में डर नहीं था, निडर होके खेला और बहुत ही बिलीव था खुद पे कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। और मैं सभी एथलीट्स को ये बोलूंगा कि वैसे ही खेल रहे, किसी से डरने की घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी इंसान है। कई बार हमको लगता है कि शायद यूरोपियंस ज्यादा स्ट्रांग है या फिर यूएस के एथलीट या दूसरी कंट्रीज से ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वही है कि अगर हम खुद को पहचान लें कि हाँ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने घर बार को छोड़ के इतनी दूर हैं, तो कुछ भी पॉसिबल है जी। चलिए, बहुत बढ़िया टिप दिए हैं सबको। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, एक महीने में कोई नई इंजरी ना हो भाई। बिल्कुल सर, वही कोशिश कर रहे हैं। देखिए साथियों, आपने देखा होगा कि 2-3 बातें बहुत अच्छी निकली, क्योंकि आप जो अनुभवी लोग हैं उनसे जो जानने को मिलता है उसकी एक अहमियत होती है। जैसे आपको बताया गया कि वहां के तामझाम में डूब मत जाना, खो मत जाना, ये बहुत सही है जी। अदरवाइज हमारे लिए वो उसी का प्रभाव इतना होता है कि हम शायद अपनी चीज को फोकस नहीं कर पाते हैं। दूसरा, परमात्मा ने हमें कद दिया है, बाकी खिलाड़ी हमसे बड़े कद वाले होते हैं, लेकिन हम पक्का मान के चले यहां कद का खेल नहीं है जी, यहां कौशल्य का खेल है, आपकी टैलेंट का खेल है। चलिए दिल्ली का रुख करेंगे जहां से बड़ी खबर है। दिल्ली में किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफे के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए मीणा पहुंचे हुए हैं, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिल्ली आवास पर इस वक्त बताया जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा जो है मौजूद है। बताते चले कि किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, अब वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिल्ली से पहुंचा रहे हैं, जहां पर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे हुए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर लखवीर जुड़ चुके हैं। लखवीर, मुलाकात अभी चल रही है, कयासों में क्या? जी बिल्कुल, देखिए कल देर रात किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली से जयपुर से दिल्ली आए हैं। आज अभी वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे जी। इस्तीफे की पेशकश के बाद से ही पार्टी के स्टैंड पर नजर है कि पार्टी आखिरकार उनका इस्तीफा स्वीकार करती है क्या और किस प्रकार से किरोड़ी लाल मीणा को समझाइश की जाएगी। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे के बाद जब न्यूज 18 तक बात की तो कहा कि मेरी नाराजगी किसी भी व्यक्ति और संगठन से नहीं है, उन्होंने अपनी बात को स्वीकार करते हुए इस्तीफा दिया है। लेकिन पार्टी उनसे संवाद करना चाहती है, बीच का रास्ता पार्टी निकालना चाहती है, क्योंकि 2 दिन पहले भी किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली आए थे, हालांकि किसी कारण से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी क्योंकि
समय जो था वो बाद का मुकर्रर हुआ था, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा जयपुर पहुंच गए थे, उनके तय कार्यक्रम थे उनमें हिस्सा लेने के लिए, लेकिन अब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं और इस मुलाकात में ही रास्ता निकलेगा, तय होगा कि आखिरकार किरोड़ीलाल मीणा ने जो इस्तीफा सौंपा है पार्टी को उसका क्या रास्ता निकाला जाए, क्या इस्तीफा पार्टी स्वीकार करती है या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें 8 सीटों पर विजयश्री दिलाने की जिम्मेदारी दी है और अगर एक भी सीट पर बीजेपी चुनाव हारती है तो मैं तो अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दूंगा और भी जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए तमाम पदों से इस्तीफा देना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें उन्होंने की और कल जब उन्होंने स्वीकार किया मीडिया से बातचीत में किरोड़ीलाल मीणा ने तो उन्होंने ट्वीट भी किया कि प्राण जाए पर वचन न जाए, ये रघुकुल की रीत है जो सदा चली आ रही है और उसी का कह सकते हैं कि निभाना किरोड़ीलाल मीणा ने किया और इसी वजह से अब पार्टी भी चाहती है किरोड़ीलाल मीणा से समझाइश करना और आज उन्हें दिल्ली तलब समझाइश का दौर इसीलिए जारी है। बहुत शुक्रिया लखवीर तमाम जानकारी पहुंचाने और यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आप देखिए तमाम बड़ी खबरें बिग ब्रेकिंग में।